हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम प्लेसेंटेशन पढ़ रहे थे। मदर एंड फीटस के बीच में जो संबंध होता है, जिससे फीटस अपनी सारी क्रियाएं उस प्लेसेंटा के थ्रू करता है। तो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, जिसमें फर्स्ट हमने पढ़ा था डिफ्यूज टाइप, सेकेंड कोटलीडी टाइप और थर्ड है अब जोनरी टाइप। इस प्रकार के प्लेसेंटा में जो विल्लाई हैं वो एक निश्चित वले में उपस्थित होते हैं। ये वले ब्लास्टोसिस्ट के मध्य में स्थित होती है। इस तरह का प्लेसेंटा मांसाहारी प्राणियों से कुत्ता बिल्ली आदि प्राणियों में पाया जाता है। फोर्थ है डिस्कोइडल टाइप। इस प्रकार के प्लेसेंटा में जो विल्लाई हैं वो एलेंटोकोलियन पर डिस्क के रूप में उपस्थित होती हैं, और एम्ब्रियो पर यदि विल्लाई एक बिंब के रूप में उपस्थित होती है तो उसे हम मोनोडिस्कोइडल टाइप का प्लेसेंटा कहते हैं। और इस तरह का प्लेसेंटा चमगादड़, चूहे, खरगोश, बंदर तथा मनुष्यों में पाया जाता है। परंतु यदि जो विल्लाई भ्रूण पर दो बिंबों के रूप में उपस्थित होते हैं तो उसे हम बाई डिस्कोइडल टाइप का प्लेसेंटा कहते हैं, और इस तरह का प्लेसेंटा जो है बंदरों में पाया जाता है। अब फोर्थ क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी। भ्रूणीय विल्लाई जो हैं और जो यूट्रस के ऊतक है उनके बीच ओतिकी संपर्क के आधार पर प्लेसेंटा को हम पाँच भागों में बांट सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है एपिथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। ये सबसे आदिम प्रकार का या प्रिमिटिव प्रकार का प्लेसेंटा है। इसमें जो भ्रूणीय विल्लाई हैं वो उसकी उपकला या ट्रोफोब्लास्ट गर्भाशय उपकला के नज़दीकी संपर्क में उपस्थित रहती है। इसमें भ्रूणीय ऊतकों के तीन ऊतक तथा मैटरनल ऊतक के तीन स्तर यथावत पाए जाते हैं। भ्रूण की कोरियो एलेंटोइक विल्लाई गर्भाशय की विद्रोह में धंसी रहती है। माता के रक्त से भ्रूण के रक्त में पोषक पदार्थों, ऑक्सीजन, उत्सर्जी पदार्थों को आने जाने के लिए छः अवरोध पार करने पड़ते हैं। इनमें से तीन भ्रूणीय व तीन मात्रक ऊतकों के अवरोध होते हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले हैं भ्रूणीय अवरोध, फर्स्ट भ्रूणीय रक्त वाहिकाओं की एंडोथीलियम, सेकंड कोरियोनिक संयोजित ऊतक, थर्ड कोरियोनिक एक्टोडम या ट्रोफोब्लास्ट। ये इसमें चित्र में बताया गया है। इस तरह से ये जो है छः अवरोध जो हैं उसमें पाए जाते हैं। मैटरनल अवरोध हैं गर्भाशयी एपिथीलियम, गर्भाशयी संयोजी ऊतक, मातक रक्तवाहिकाओं की एंडोथीलियम। इस प्रकार का प्लेसेंटा सुअर, घोड़े, चौपाए, मार्सुपियल्स व लीमर्स आदि में पाया जाता है। अब सेकंड है सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। इस प्रकार के प्लेसेंटा में जो मैटरनल स्तर में से गर्भाशयी उपकला स्तर क्षतिग्रस्त होकर विलीन हो जाती है, अतः कोरियोनिक विल्लाई की एपिथीलियम गर्भाशयी संयोजी ऊतक के संपर्क में आ जाती है। इस तरह के प्लेसेंटा में पदार्थों केवल पांच अवरोध ही पार करने पड़ते हैं। इनमें से तीन भ्रूणीय तथा दो मैटरनल ऊतक के होते हैं। इस प्रकार का प्लेसेंटा गाय, भेड़, बकरी आदि प्राणियों में पाया जाता है। तो ये है इसका डायग्राम। अब थर्ड है एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। इस प्रकार के प्लेसेंटा में जो मैटरनल गर्भाशय उपकला के अलावा संयोजी ऊतक या म्यूकस स्तर भी क्षतिग्रस्त होकर विलीन हो जाता है, जिसमें कोरियोनिक विल्लाई सीधे गर्भाशयी रक्तवाहिकाओं के एंडोथीलियम के संपर्क में आ जाती है। इस तरह माता के रक्त से पदार्थों को भ्रूण के रक्त में आने जाने के लिए अब केवल चार अवरोध ही पार करने पड़ते हैं। इनमें से तीन भ्रूणीय और एक मैटरनल स्तर का होता है। मात्रक ऊतकों के दो स्तर विलुप्त हो चुके होते हैं। इस तरह का प्लेसेंटा कुत्ता, बिल्ली आदि मांसाहारी प्राणियों में पाया जाता है। फोर्थ है हीमोकोरियल प्लेसेंटा। इस प्रकार के प्लेसेंटा में जो एम्ब्रियो के विल्लाई हैं तथा माता के गर्भाशय के बीच में अधिक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इसमें मैटरनल ऊतक के तीनों स्तर, गर्भाशय उपकला, गर्भाशय संयोजी ऊतक तथा गर्भाशय रक्त वाहिकाओं की एंडोथीलियम विघटित होकर विलुप्त हो जाती है। भ्रूणीय रसांकु सीधे गर्भाशयी रक्त पात्रों में लटके रहते हैं। इस तरह माता के रक्त से पदार्थों को भ्रूण के रक्त में आने जाने के लिए केवल तीन अवरोध ही पार करने पड़ते हैं। इसका डायग्राम है तथा ये तीनों अवरोध भ्रूणीय ऊतक के होते हैं। इस तरह का प्लेसेंटा सभी प्राइमेट्स, चमगादड़, मोल्स तथा छछूंदरों में पाया जाता है। लास्ट है हीमो एंडोथीलियल प्लेसेंटा। इस तरह का प्लेसेंटा सबसे घनिष्ठ संबंध वाला होता है। इसमें न केवल तीनों मात्रक स्तर ऊतक स्तर विलुप्त हो जाते हैं, बल्कि भ्रूणीय रसांकुरों के ट्रोफोब्लास्ट या कोरियोनिक एक्टोडम भी विलुप्त हो जाती है। भ्रूणीय रसांकुर सीधे मात्रक रक्त पात्रों में लटके रहते हैं। इसका डायग्राम है। इस तरह माता के रक्त से पदार्थों को भ्रूणीय रक्त में आने जाने के लिए केवल दो अवरोध ही पार करने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें तीनों मात्रक स्तर तथा एक भ्रूणीय स्तर
कोरियोनिक एक्टोडम भी विलुप्त हो चुके होते हैं। इस तरह का प्लेसेंटा चूहे, गिनी पिग, खरगोश आदि में पाया जाता है। तो ये है इसका डायग्राम। इस प्रकार से जो है ये पांच तरह के प्लेसेंटा जो है इसमें पाए जाते हैं, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, और इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी। तो ये हिस्टोलॉजी के आधार पर ये पांच प्रकार के प्लेसेंटा पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला एपिथिलियोकोरियल प्लेसेंटा, सेकंड सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा, थर्ड एंडोथिलियोकोरियल प्लेसेंटा, फोर्थ हीमोकोरियल प्लेसेंटा और फिफ्थ है हीमोएंडोथिलियल प्लेसेंटा। तो ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, इसके आधार पर हम इनको पांच भागों में बांट सकते हैं। प्लेसेंटा में ही आगे हम पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक यू।